दोस्तों, जानवरों और इंसानों के फनी और अतरंगी कारनामे दिखाने के लिए हमने एक सीरीज की शुरुआत की। इस सीरीज के कुछ पार्ट हमने पहले भी बना दिए और आज इसका अगला पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। अब दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों जनाब साइकिल पर राइड कर रहे होते हैं, तभी ये दोनों आगे चलकर इस साइकिल पे कुछ इस तरह से धराशायी हो जाते हैं। अब दोस्तों, जरा आगे चलते हुए इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहां पर ये भेड़ पता नहीं कहां से अपने शरीर के अंदर सिड्डी पसा लेती है, जिसके बाद में ये सिड्डी को लेकर इधर से उधर घूमती रहती है। मैं पागल हूँ। अब दोस्तों, जरा आगे चलते हुए इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए, जहां पर ये जनाब पहले तो पेट्रोल पंप पर आकर पेट्रोल डलवा लेते हैं, जिसके बाद में यह इन मोहतरमा को पैसे भी दे देते हैं, लेकिन बाद में यह इन मोहतरमा को उठाकर यहां से ही टी मार लेते हैं। अब दोस्तों, जरा इस बफेलो को भी देख लीजिए, जहां पर ये बफेलो बड़े सिंह होने के कारण पहले तो इस घर में घुस जाती है, लेकिन बाद में ये इस घर से बाहर निकलती है। तो कुछ इस तरह से ये इस घर से बाहर निकलती है। अब दोस्तों, किसी से बेवजह पंगा लेना कभी कभार खुद के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर ही देख लीजिए। यहाँ पर ये जनाब इस ब्लैक बियर के पास चले जाते हैं और उसकी छेड़खानी करते रहते हैं, तभी ये ब्लैक बियर थोड़ी देर तो देखता रहता है, लेकिन जब इस आदमी की हदें पार हो जाती है तो इसके पीछे ये जनाब पड़ जाते हैं, जिसके बाद में ये आदमी यहाँ से कल्टी मारने में ही अपनी भलाई समझता है। अब दोस्तों, जाते जाते सबसे लास्ट वाले इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहां पर ये जुगाड़ी आदमी तूफान से बचने के लिए किस तरह से अपने शरीर पर ईंटे व पत्थर बांध रखा है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पागल हूँ। तो हाँ, तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा हमारी वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।